पुलिस ने भेजा वृद्ध आश्रम। बिहार के टेकारी की है महिला, एक बूढ़ी माँ जो अपनी बेटी के घर को ढूंढते हुए बिहार के गया टेकारी से धनबाद पहुंच गई। वह दर दर भटक रही है। ऐसे में महिला थाना की पुलिस ने संवेदना दिखाते हुए वृद्ध महिला को लाल मुनि वृद्ध आश्रम के जिम्मे मंगलवार को सुपुर्द कर दिया। इस बाबात महिला थाना प्रभारी कुमारी विशाखा ने बताया कि बिहार के गया टेकारी निवासी एक वृद्ध महिला मिली है, जिन्हें शायद उनके बेटे ने छोड़ दिया है या फिर वह भटक कर धनबाद पहुंच गई है। इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल महिला को लाल मुनि वृद्ध आश्रम के प्रबंधन को सुपुर्द किया गया है, जिससे कि महिला सुरक्षित रह सके। वहीं पुलिस वृद्ध महिला के परिजनों को धनबाद तथा बिहार गया में ढूंढने की कोशिश में जुट गई है। परिजनों के मिलने के बाद मामले में जांच होने के बाद ही इस संबंध में विशेष जानकारी दी जा सकेगी। मैम, क्या कुछ किया जा रहा है महिला थाना? ये एक महिला है, वृद्ध महिला, जो कि अपना नाम शांति देवी बता रही है। उम्र इनका 65 वर्ष है। पति का नाम स्वर्गीय चलिता चौधरी बता रही है और अपना पता टेकारी बहादुरपुर 75 नंबर गुमती के पास गया बिहार का बता रही है। ये शायद अपनी बेटी के यहाँ धनबाद आई हुई थी, जिनका एग्जैक्ट एड्रेस इनको पता नहीं है और ये भटक गई हैं इस जगह पे, जिसके बाद इनको हम लोग लाल मुनि वृद्धा आश्रम के मदद से वृद्धा आश्रम में भेजा जा रहा है और इनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही उनसे संपर्क स्थापित हो पाता है, इनको इनके परिजनों तक सौंप दिया जाएगा। थाना द्वारा जो है आपको जो है आज महिला थाना द्वारा एक माँ अपने घर से भटक गई है, जिनके पता नहीं कि बच्चे ने छोड़ दिया है या ये भुला गई। मैडम का फोन आया कि ऐसा बात है, हमारा लाल मणि वृद्धा सेवा आश्रम ऐसे माँ बाप के लिए हमेशा तत्पर रहता है और अभी हम उनको अपने आश्रम में रख रहे हैं। अगर इनके परिजन तक हमारी बात पहुंच रही है तो कृपया अपनी माँ को हमारे आश्रम से आकर ले जाए। अपना परिचय दे। लाल मणि वृद्धा सेवा आश्रम के अध्यक्ष फाउंडर मोहम्मद नौटंकी।